सॉरी गाइस, गाड़ी का शीशा गंदा है। सुबह सुबह साफ तो किया था लेकिन दाग रह गया है। तो गाइस कतई ही जहर लोकेशन है, जंगल है एकदम, और मैं दिल्ली के बिल्कुल पास में हूँ। इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन मैंने सच में नहीं देखी थी। तो धन्यवाद सबका जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे शूटिंग के लिए, और ये लोकेशन मैंने देखी है अभी। क्या मज़ेदार है गाइस, अकेला ही हूँ इसलिए थोड़ा ध्यान से गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से गाड़ी भी चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से फ़ोन भी पकड़ा हुआ है। तो ऐसी हिलती डुलती फुटेज है, ये मैनेज कर लेना प्लीज़। ड्राइव गाइस भले एक हाथ से कर रहा हूँ मैं, लेकिन ना कैमरा बंद करने का मन भी नहीं कर रहा। कारण ये कि ऐसे लग रहा है जैसे ना दिल्ली में नहीं हूँ मैं कहीं दूर कहीं पे हूँ। दूर तो हूँ लेकिन जगह कौन सी है ये समझ में नहीं आ रही। दो तीन जगह ना मिक्स हो गई है, धनबाद भी मिक्स हो गया इसमें, क्योंकि माइनिंग हो रखी है। ये देखो कितने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। और राइट साइड में जो आप पौंड देख रहे हो, ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे पौंड हैं यहाँ इस पौंड में। और कभी कभी लुक ऐसे आती है जैसे मनाली में कहीं ऊपर पहाड़ चढ़ गया, लद्दाख की तरफ चला गया। और कई कई बार मतलब मिक्स सा हो रखा है सारा, लेकिन जगह ब्यूटीफुल है गाइस। ये हमारी गाड़ियाँ सब लगी हुई हैं क्रू की। कुछ लोग मुंबई से आए हैं शूट करने के लिए और मैं दिल्ली से हूँ। मतलब बहुत सारे बंदे दिल्ली से भी हैं, लेकिन जो क्लाइंट है हमारा, जो मेन क्रू है, वो मुंबई से ही आ रखा है यहाँ पे। ये देखो दो बंदे कैसे टहलते हुए आ रहे हैं, जैसे कंपनी बाग में घूम रहे हैं। है वैसे कंपनी बाग ही टाइप ही है ऐसा ही। नमस्ते, आदाब और सबको वेलकम। मैं हूं एनवी सिंह, आपका दोस्त बनाता हूं। मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बोल सकते हैं, अभी ट्रैवलिंग व्लॉग ही करता हूं ज़्यादातर। तो इसलिए आज एक नई लोकेशन पे आया हूं। ये दिल्ली के बिल्कुल पास है लेकिन ब्यूटीफुल लोकेशन है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। गाइज ये है सिरोही पौंड, सूरज कुंड है, उससे रास्ता आया है। सोना और फरीदाबाद के बीच में है ये। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मज़ेदार है। तो देखते हैं, बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है और कैसा आज का दिन निकलता है अपना। तो गाइज सीन ऐसा है कि अभी ड्रोन वोन के शॉट लिए जा रहे हैं, ड्रोन वोन के शॉट कर रहे हैं, और हम लोग लोकेशन पर हैं। सब लोगों ने गाड़ियाँ अपनी बिल्कुल साइड पे खड़ी कर रखी हैं। मैंने भी अपनी गाड़ी ये रही तो ये खड़ी कर दी है और लगे हुए हैं। ये कुछ खाने पीने का सेटअप क्रू के लिए है और लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी इसकी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। ये क्या आ रहा है, फोगी फोगी आ रहा है। अच्छा, कैमरे में कुछ पंगा हो रहा है मेरे मोबाइल के। तो चलिए गाइस, थोड़ा थोड़ा व्लॉगिंग भी करते रहेंगे और दिखाएंगे आपको कैसी लोकेशन है ये। गाइज अभी हुआ है लंच ब्रेक, ठीक है, और शूट क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, स्लाइडर है, डिफ्यूज़र है। ये बेसिकली लोकेशन देखो आप कितनी मस्त आ रही है ना, पहाड़ है, ऐसे लग रही था मैं दिल्ली में हूँ, कहीं लग रहा है कहीं हिल स्टेशन पे आया हूँ। लेकिन यहाँ माइनिंग होती थी किसी टाइम पे, आपको मैंने बता दिया था। ये दिल्ली से 47-50 किलोमीटर दूर है, दो तीन रास्ते आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन और पौंड है यहाँ पे। अभी मैं पौंड की साइड नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे तो शूट चल रहा था और ब्रांडिंग हो रखी है, तो वो नहीं दिखा सकता। तो ब्यूटीफुल प्लेस है, आप पिकनिक मनाने यहाँ पर आ सकते हो। इधर गाइज ब्रांडिंग नहीं हो रखी, तो ये वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा पौंड है और कोई नहीं कह सकता हम दिल्ली के सिर्फ 47-50 किलोमीटर दूर हैं। और
ढाई तीन फीट गहरा होगा, ये फिश नहीं है लेकिन नज़ारा सुंदर है। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं ब्रेक पे, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके, फिल्म पूरी शूट कर सकते हो आप यहाँ पे आके, कोई भी डाकू की फिल्म हो सकती है, पुराने ज़माने की फिल्म हो सकती है। तो गाइस बहुत अच्छी लोकेशन है ये, 3 बज चुके हैं शूट करते करते, ज़्यादा व्लॉगिंग। रास्ता किधर है, वो कैनोपीज लगी है हमारी, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पैदल गए थे बहुत दूर, अभी ड्रोन व्रोन का कुछ शूट है, फील्ड क्लियर करनी थी, ड्रोन वाला और डायरेक्टर है वहाँ पे, वो लोग अपना शूट वूट कर रहे हैं। मैं आपको एक और पॉन्ड दिखाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 झीलें हैं, पूरी खान है। यहाँ पे पहले माइनिंग होती थी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। और पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं यार, ऐसे लगता है किसी हिल स्टेशन पे आ गए। ब्यूटीफुल, मैं आपको फ्रंट कैमरे से कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस क्या नज़ारेदार है यार, लोकेशन मज़ेदार एकदम, मन ही नहीं भर रहा, घूमे जा रहा हूँ। ये देखिए एक और पौंड है, एक पौंड में से 2, 3, 4 दूर तक पौंड ही पौंड है, और ये ट्रैक बना रखा पूरा। अभी बाइक वाइक भी चला सकते हो, गाड़ी लेके भी आ सकते हो, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। सुबह यहीं से गाड़ी लेके आया था मैं, तो देखते हैं और आगे क्या दिखता है और व्लॉगिंग में क्या है। अभी तो यही दिखा पा रहा हूँ आपको, और यही थी 2-4 बातें। एक झील और मिली है, मतलब यहाँ ना झील ही झील हैं, बहुत सारी झील हैं, और ये बहुत गहरी है, पानी भी बहुत गहरा है और बहुत गहरी है ये इनके लोग बताते हैं। और पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं, झील ही झील है, क्या यार खूबसूरत नज़ारा है ना। तो कभी भी आप लोग पिकनिक मनाने के लिए आओ, कभी आउटिंग करने के लिए आओ, कुछ बाइकिंग वगैरह करने के लिए आओ, तो ये ट्रैक भी बना हुआ है। हमने ये बेसिकली बाइक का शूट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं वो ब्रांड वैंड हम शो नहीं कर सकते, तो आपको पता ही है। तो बढ़िया है, वो देखिए सेटअप लग रहा है, बाइक वाइक वहाँ लेके जा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया है, लोकेशन बहुत अच्छी है यार, दिल्ली के पास है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी है। बातें आ नहीं रही क्योंकि काम में ध्यान ज़्यादा है मेरा, बिजी हूँ मैं, तो दिखाता रहता हूँ जो जो मिलता है मुझे। ये एक ब्यूटीफुल रॉक देखिए आप, लाइटिंग देखो कैसी आ रही है, और क्या लग रहा है आपको मैं कहाँ पे हूँगा। फिर बता देता हूँ, दिल्ली के बिल्कुल पास में ही हूँ और कहीं दूर नहीं गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, मस्त, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किस पहाड़ पे आ गया हूँ, मतलब हिल स्टेशन पे हूँ किसी में। अब मैं, टाइम लग रहा है, लाइट जाने वाली है, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि आपको ना एक रिवीलिंग शॉट दे दूँ, कि ऐसा फ्रंट से लोकेशन दिखा दूँ, मेरे को देख के आप क्या ही करोगे। ओह माय गॉड, ओए होए क्या बात है, ये हम आगे पहाड़ पे, अरे बाप रे बाप, मज़ेदार मज़ेदार। एक और झील, क्या बात है, सूरज डूब रहा है और आप मस्त लोकेशन देखो यार। और सबसे बड़ी बात है ये जो पत्थर है ना, आई थिंक ग्रेनाइट है ये शायद, बहुत ही ज़बरदस्त पत्थर हैं ये और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं ये। ये देखिए बहुत अच्छे पत्थर हैं यार। तो माइनिंग होती थी किसी टाइम पे यहाँ पे, अब नहीं है, अब बैन लगा दिया गया है। ब्यूटीफुल है यार, कभी आओ ज़रूर आओ यहाँ पे। तो शूट करते करते अंधेरा हो चुका है। अच्छा, मैंने ना पिछले व्लॉग में भी अपने में देखा था कि जब अंधेरा हो जाता है ना तब भी इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत अच्छी है, तो अंधेरा लगता ही नहीं है। तो अभी गाइस बहुत अंधेरा हो चुका है, मतलब बहुत नहीं, हल्का हल्का चानन है लेकिन अंधेरा है। जो मैं फ़ोन की लाइट से अपना फेस दिखा रहा हूँ, अदरवाइज फेस दिखता नहीं। तो चल रहे हैं अच्छी लोकेशन पे, आज सारा दिन यहीं पे निकाल दिया, अपना व्लॉगिंग भी यहीं पे हो गया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बातें नहीं आती क्या करें, क्योंकि काम पे ध्यान होता है ना।
अब थोड़ा सोचेंगे व्लॉगिंग की तरफ। पहले तो मेरा मन ही नहीं था व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन अब लगता है नहीं यार व्लॉगिंग करनी चाहिए, तो स्पेशल डेज हम निकाला करेंगे, सिर्फ व्लॉगिंग ही करेंगे। हाँ, काम पे जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे तो जैसा भी चलता फिरता व्लॉगिंग तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन कुछ मैं सोचता हूँ स्पेशल व्लॉगिंग करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी देखते हैं। जंगल में मंगल दो सहायक आगे आगे चलते हुए, अब आपको लोगों को लग रहा होगा अंधेरा हो चुका है, हम इन खंडरों में बीहड़ में घूम रहे हैं, ये देखो यार क्या ब्यूटीफुल है। तो गाइज मन कर रहा है व्लॉग ना यहीं एंड कर दूं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ यार लगता हुआ तो कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड वगैरह, क्योंकि पूरा दिन तो शूटिंग में बिजी थे, तो इधर से ही है नीचे। हाँ इधर से गाड़ी पास में है। हाँ ठीक है इस रास्ते से चलेंगे, तो चलिए थोड़ा और वेट करते हैं, हो सकता कुछ इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं होने वाला वैसे, क्योंकि घर जाएंगे, घर पे जाके बस गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे और घर चले जाएंगे, तो होगा कुछ नहीं। ये देखिए खतरनाक लोकेशन है, जो मैं मेन व्लॉगिंग नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक थी, पत्थर पत्थर थे, तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया। तो ये ट्रक खड़ा है हमारा लाइट वाइट का, तो मैं अपनी गाड़ी लेके धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ही दिखा दिया है कि ये देखिए बहुत खतरनाक है ये पहाड़ी एरिया। तो व्लॉगिंग मैं घर जाके एंड करूँगा, ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से निकलना है, तो इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। गाइज मैं इसीलिए ना दिल्ली में टैक्सी करके जाना पसंद करता हूँ, ये तो मुझे हरियाणा में जाना था, दूर जाना था, कैब वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो गाड़ी ले गया अपनी। बट सच बता रहा हूँ दिल्ली में गाड़ी चलाने का कोई मज़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। आप देख लो अभी तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा होगा, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से निकल के आया हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना। तो आई थिंक ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, और बस देखते रहो मेरे व्लॉग, प्यार दीजिए आप अपना।